सो व्हाट्स अप गाइस, बहुत दिनों तक इस मोमेंट का मैंने इंतज़ार करा और अभी ज़्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ मैं. वैसे स्वागत है आप सभी का, मेरे चैनल पर पहला ब्लॉग ये रहने वाला है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग. आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये ब्लॉग किसके बारे में और किस चीज़ के लिए है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फन एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट. सो अभी मेरे को निकलना है, जस्ट अभी भी कॉल आया है एंड आई एम गोइंग टू ग्रीन पार्क, या ग्रीन पार्क कानपुर, विच इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट ग्राउंड एंड इट्स द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ उत्तर प्रदेश T20 लीग. सो दिस इज़ द सीक्रेट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था इंस्टाग्राम स्टोरीज पे काफ़ी दिनों से, दो चार दिनों से. मैं अभी भी, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो फिर हम आपसे अब मिलते हैं सीधे ग्राउंड में, क्योंकि अभी भी कॉल आए एंड आई हैव टू लीव फॉर इट. सो टू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं हम ग्राउंड में. बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग, सुपर फन. सो डोंट गो एनीवेयर. सो ओके, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द होटल. ये जो सीक्रेट है वो अब आपको रिवील होता हुआ नजर आ रहा होगा. हियर यू कैन सी ऑल्सो. ओके, सो आई हैव विद मी डीजे विरेन जो एंटरटेन करने वाले हैं पूरी तरीके से इस UPT20 लीग में दर्शकों को, और ये ग्रीन पार्क का बेहतरीन ग्राउंड. और हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? इट्स आई मीन इट्स गोइंग टू बी सुपर फन टुडे. बहुत ही बढ़िया लग रहा है सब कुछ, और जितना बढ़िया लग रहा था उतना ही मौसम अब खराब लग रहा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश होने वाली है सब में. पिच भी हमने ढक दी है और थोड़ा मस्ती वैसे डबल होएगी अब. ओके ब्रो, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. ओके, सो लेट्स शो यू जहाँ पर आज हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आई मीन ओपनिंग सेरेमनी के लिए आने वाले हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द स्टेज फॉर देम एंड यू कैन सी ऑल अराउंड हाउ इट इज़ लुकिंग द ग्रीन पार्क स्टेडियम ऑफ कानपुर एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर फन. देयर विल बी सो मच एक्शन, आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग अराउंड देयर. सो बी विद मी, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टूर ऑफ अराउंड 16 to 17 days. इट्स गोइंग टू बी सुपर फन. All the cricket fans, you can see we have started our opening ceremony. Can you feel the music? So our show host Raveen Bhaiya, he is the man behind everything. Thank you so much. It's Green Park Kanpur and it's the opening ceremony of GOUP T20 League. Just feel it. It's going to be super fun. पहले ही ब्लॉग में कॉपीराइट आएगा गाइस. Okay, so ladies and gentlemen, please welcome Manish Paul on the big stage of opening ceremony. I think you can see him. He's there. Energy drink partner, Hustle Medical partner, Medulens. Ladies and gentlemen, it's time to start the opening ceremony. We're one of the biggest stars of the nation. Cricket ki duniya mein tashan, tashan aur junoon ki nayi kahani likhne ke liye Uttar Pradesh taiyar hai. Welcome to the historic opening ceremony of first ever UPT20. जहाँ हर बॉल पे मैदान नचेगा और हर पल इतिहास रचा जाएगा. जोरदार ताली बजाएं एवरीबॉडी. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू ओपनिंग
ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत करते हैं विद अ दमदार डांस परफॉर्मेंस, और ये होगा उस गाने पर जो उत्तर प्रदेश के सच्चे इमोशंस को दर्शाता है। ये है यूपी T20 लीग का एंथम, तो चलिए लेट्स हैव अ पावर पैक डांस परफॉर्मेंस। तो गाइस देख सकते हैं आप यूपी T20 लीग का जो एंथम है उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका है। अमिता पटेल अभी अभी हमारे करीब से होकर गई ऑन द व्हीकल जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। तो अभी देखते हैं कौन कौन कलाकार आने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ मेरे को जितना पता है टाइगर श्रॉफ इज कमिंग आफ्टर दिस, सो डोंट गो एनीवेयर, इट विल बी सो फन। Okay, so right after Amisha Patel, Meet Pros, now are on the stage, so you guys can hear them. Okay, so sorry for the bad video quality, I will try to arrange a new iPhone soon, just enjoy the song. पर सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव कम हियर टू सी दिस गाय, आई थिंक यू कैन ऑल्सो टाइगर श्रॉफ विद द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन विसल बजा। Once again, sorry for the video bad video quality. I'll try to arrange iPhone very soon. Oh,
सो गाइज यू कैन सी किस तरीके से जल्दी जल्दी यहाँ काम किया जाता है। सो मुझे अभी अभी पता चला है कि दे नीड टू क्लियर एवरीथिंग विद इन 5 मिनट्स। यू कैन सी हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर वर्किंग एंड इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। यू कैन सी हाउ पंक्चुअल यू हैव टू बी। Okay, so the news from the center is that Noida Super Kings has won the toss of the very first match, the inauguration match, and they are going to bat first, which means that Kanpur Superstars is going to bowl in the very first match of GOUP T20 League. It will be interesting to see that who is going to dominate today. So, okay, I will try to catch some action of the cricket match, then let's see कि क्या होता है इस मैच में। So you guys can see कि इतनी ऑडियंस हमें यहाँ देखने को मिल रही है and it's the opening ceremony. So I think this number is going to reduce tomorrow, but maybe हो सकता है कि बढ़ता हुआ भी नजर आए हमें। Let's see, कल फिर से हम जब वीडियो शूट करेंगे we will see कि कितना जो नंबर है वो बढ़ता और घटता हुआ नजर आ सकता है। चलिए ऑल सेट टू गो फॉर द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच एंड विद इन फ्यू मिनट्स दैट फर्स्ट बॉल विल बी बोल्ड। सो ओके यू गाइस कैन सी। चलिए आज सब कुछ कवर कर लेते हैं। ये जो आपको मैचेस खत्म होने के बाद मैच खत्म होने के बाद जो हवा में जाता हुआ वो आपको जो पटाखा नजर आता है ना वो ये इस तरीके से सेट किया जाता है उसको। एंड यू गाइस कैन सी कि यहाँ पर उसके लिए भी पर्टिकुलर एक एक आदमी को लगाया गया है आई थिंक हर चीज के लिए। ये देखिए स्क्रीन जो LED स्क्रीन है जिस पर आगे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं एंड उसका जो बैक है वो जो इस प्रकार से मतलब देखने को मिलता है। सो यू गाइज कैन सी द स्टेडियम फ्रॉम हेयर एक शानदार व्यू एंड सो एज आई टोल्ड नोएडा सुपर किंग्स वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि कितने रन्स बोर्ड पर लगाए जा सकते हैं उनकी तरफ से इस पहले इनॉग्रेशन मैच में। सो ओके We will try to catch some live action क्योंकि वो live चल रहा है तो फिर उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। I will try to show जो आप नहीं देख पाते हैं। Okay, so चलिए मिलते हैं फिर आपसे हम एक नई क्लिप के साथ जो हम कुछ ही देर में रिकॉर्ड करते हुए नजर आएंगे जो थोड़ी सी अलग होगी जिसको आप शायद अपने वहाँ जियो सिनेमा के ऐप पर नहीं देख पाते हैं। Okay, so the players are practicing and we are just few minutes away from that live action. So, पहली इनिंग समाप्त होने वाली है और कुछ समय के लिए मुझे माइक मिला था एंड द रिस्पॉन्स वॉज क्वाइट गुड। सो जो यहाँ पे टीम है उसने मेरे को बोला यू आर डूइंग ग्रेट। थोड़ा सा अभी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है बिकॉज जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। आई एम जस्ट डूइंग मैं ना ऑडियंस को बस इंटरेक्ट करा रहा हूँ वो स्कोर बोर्ड से। सो बस इतना ही काम है बट उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो वही बताया मेरे को थोड़ी सी एनर्जी और लानी है एंड देन यू विल बी फाइन। सो अभी जो थोड़ा बहुत माइक मिल रहा है कल से हम 4 दिनों के लिए लगातार आपको माइक पर कब्जा करते हुए नज़र आएंगे। कल से 2 मुकाबले डेली हैं एंड वी विल बी ओके। सो स्टे फॉर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अभी के लिए स्कोर है इस समय जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं अगर तो लेट्स सी कि अगर आपको दिखाई देता है नहीं जी हाँ वो स्क्रीन है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। सो इट्स 157/5 एंड 19.3 ओवर्स का जो खेल है वो पूरा हो चुका है। तो एक बल्लेबाज अभी जो समर्थ के रूप में आउट हुआ है वो 91 रनों पर आउट हो गए। सभी को होप थी कि पहले मैच में हमें पहली सेंचुरी देखने को मिलेगी बट नो। सो इधर आप देख सकते हैं रविन कुंदू भैया जो जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया अ बिग थैंक्स टू हिम एंड अभी के लिए वो उनका ही काम मेरे को कल से करना है
as he is going for some another event. So that's it. एक शानदार चौके के साथ ओवर ऑफ द पावर प्ले इट द सेकंड ऑफ द ओवर. ओके सो गाइस मैच खत्म हो चुका है एंड वी आर गोइंग टू आवर होटल. सो अब वहाँ जाके कुछ शूट नहीं कर पाऊंगा मैं बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज बहुत पहले आ गए थे. सो ये देख सकते हैं आप ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर. सो कल फिर से हम एक नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे. ये वाला ब्लॉग कल सुबह तक जैसा कि मैं अब रात को 11 बजे के समथिंग ये वाली जो क्लिप है वो शूट कर रहा हूँ तो फिर इसको अपलोड करेंगे हम कल सुबह ही और फिर सुबह से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे बिकॉज दे आर गोइंग टू बी टू मैचेस टुमारो एंड इन बोथ ऑफ देम आई एम गोइंग टू होस्ट. सो इट विल बी अ हेक्टिक डे डेफिनेटली टुमारो बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट और मेहनत करते रहनी है. समवेयर आई कैन से कि अब इस मेहनत का जो फल है वो मुझे मिल पा रहा है बिकॉज बड़े बड़े लोग आए थे दे अप्रिशिएटेड मी एंड ऑल. सो ओके टेक केयर बाय बाय साइनिंग ऑफ.